स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और स्पॉटिफाई यूट्यूब और स्पॉटिफाई दोनों को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। यदि आपने हमारे स्पॉटिफाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप वीडियोस को एक ऑडियो फॉर्म में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियोस पे ऑडियोस पे कमेंट किए और अपने सुझाव भी भेजे। आज हम बात कर रहे हैं चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रहों की। चतुर्थ भाव आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देता है जो कि टैंजिबल नहीं होती, जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन जिनके बिना जीवन जीवन जो है वो अधूरा होता है। माँ की ममता, हमारे अंतर्मन की शांति, हमारी खुशियां और हमारे जीवन में छोटे बड़े जो घटनाएं होती हैं या जो हमारा इमोशंस होता है, लोगों के साथ जो इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, उन सब को चतुर्थ भाव बताता है। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ सौम्य भावनाएं जो है वो भी उन सबको चतुर्थ भाव बताता है। इनमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो बताता है कि हमारा इमोशनल क्वोशन किस तरफ जाएगा। यदि वहां बुध बैठा हो तो वो ये बताता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे, किसी भी चीज को समझ लेना जल्दी से, किसी लोगों के इमोशंस को समझ लेना और फिर व्यक्ति देखकर बात करना, या क्योंकि चतुर्थ भाव आपके प्राइमरी नॉलेज को भी बताता है, तो प्राइमरी नॉलेज में आपकी जो समझने की क्षमता है वो बहुत ही तीव्र होगी। यही यदि गुरु बैठ जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके अंत को भी बताता है, ये मोक्ष स्थान भी है और ये गुरु काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च का होता है, तो ऐसी स्थिति में ये गुरु आपको अपने इष्ट देव की प्रति एक ललक या लालसा उत्पन्न करता है और आप अपने जो शास्त्र है या अपने इष्ट देव के प्रति जो है एक निष्ठ होते हैं और उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। गुरु यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो, क्योंकि गुरु को कहा जाता है कि वो जहां बैठता है वहां फैलाव दिखाता है, तो ऐसे स्थिति में चतुर्थ भाव का वो गुरु आपकी खुशियों में, आपके घर में बढ़ोतरी दिखाता है या खुशी दिखाता है, उसको आगे करता है। यदि गुरु आपका चतुर्थ भाव में बैठे तो ये गुरु आपके लिए लोगों के मन में एक बहुत सुंदर स्थान भी उत्पन्न करता है। हाँ, गुरु आपको थोड़ा सा हैवी भी बना सकता है या आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा कर सकता है, यदि ये गुरु किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार जो अलग अलग प्लैनेट्स यहाँ बैठते हैं चतुर्थ भाव में, वो आपको बता सकते हैं कि आपका जो कंटेंटमेंट या खुशी का के क्या कारण है। अब यदि चतुर्थ भाव है केवल इन भावनाओं को या भावात्मक बातों को नहीं बताते, ये आपको टैंजिबल चीजें भी देते हैं जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस। फिर गुरु आपको चतुर्थ भाव में बहुत गुरु नहीं, यदि मंगल किसी का चतुर्थ भाव में बैठा हो तो मैंने ऐसा देखा है चार्ट रीडिंग्स में कि वो व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा भी होता है, लेकिन पैसे का धनी होता है और देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति के पास कोई ना कोई संपदा या एक छोटा प्लॉट ऑफ लैंड ही हो, छोटा सा घर ही हो, क्योंकि हम देश काल पात्र की बात कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा तो उसका घर भी बहुत सुंदर होगा और उसकी जो जमीन होगी या जायदाद होगी वो भी बहुत बड़ी होगी। उसी प्रकार चतुर्थ भाव आपके जो पति या पत्नी उनका काम वो भी बता सकता है। कौन सा ग्रह वहां बैठा है वो ये बता देता है कि वो किन किन लोगों के साथ या किस तरह का काम कर सकते हैं। चतुर्थ भाव अंत भी माना गया है, चीजों का अंत इसके लिए माना गया है क्योंकि ये मोक्ष स्थान माना गया है, ये प्रथम मोक्ष स्थान है और ऐसा माना गया है कि कर्क राशि ने उन सब वृद्धों को भी अपनाया था जिनका एक प्रॉपर देह संस्कार नहीं हुआ और उनको भी एक अंतोष्टि मिली, तो इसके लिए चतुर्थ भाव को आपका एंड ऑफ मैटर्स भी कहा गया है। किसी भी चीज, किस चीज के जीवन में आपका अंत आएगा या क्या चीज वहां पर शेष होगी, ये कैसे हमें मालूम पड़ेगा?
तो हम देखते हैं कि वो कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके ऊपर कौन से ग्रह की ट्रांसिट हो रही है, क्या ये दोनों कारक हैं अकारक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के शत्रु हैं। इस प्रकार एक निर्णय पर पहुंचकर हम बता सकते हैं कि जीवन में कुछ नया आएगा या किसी एक चीज का अंत होने के कुछ समय बाद एक नया नव आरंभ होगा। तो चलिए देखते हैं कि चतुर्भाव आपको क्या क्या बताता है। यह चतुर्भाव आपको माता, घर, आपके जमीन जायदाद के बारे में, आपके भावनाओं के बारे में, आपकी सिक्योरिटी, आप किस प्रकार, क्या चीज है जो आपको एक सिक्योर फीलिंग देती है, वो आपके चतुर्भाव को या चतुर्थेश को या चतुर्भाव में बैठे ग्रह को देखकर हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। चतुर्भाव आपकी खुशियों को, आपके आपके संतुष्ट व्यवहार को भी बताता है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, एंड ऑफ मैटर्स यानी किसी भी चीज का खत्म होना भी चतुर्भाव से देखा जा सकता है। चतुर्भाव आपके पति या पत्नी के कार्य के बारे में भी, कार्य प्रणाली या जिन लोगों के साथ काम करते हैं उसके बारे में बताता है। यदि हम सूर्य देखें, चतुर्भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको विचरण की शक्ति देता है, वो आपको लोगों पर ध्यान रखना और बहुत ही विजिलेंट यानी कि सचेत बनाता है। चतुर्भाव का सूर्य आपको रात में जगकर काम करने की क्षमता भी देता है। और यदि इसको पापी ग्रह दृष्ट करें या पाप ग्रह के साथ ये बैठा हो, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति तानाशाही भी कर सकता है और घर वालों पर अत्यधिक अंकुश भी लगाने की क्षमता रखता है। चतुर्भाव में यदि चंद्रमा हो तो ये चंद्रमा दिग्बली माना गया है और काल पुरुष कुंडली का चतुर्भाव चंद्रमा के चंद्रमा उसका स्वामी है। तो ये चंद्रमा यदि चार काल आपके चतुर्भाव में बैठा हो ऐसा चंद्रमा, तो आपको भावुक बनाता है। और चंद्रमा मन सो जातक भी बोलते हैं, तो आप लोगों के मन को पकड़ सकते हैं, आप संवेदनशील होते हैं और इसी कारण आप लोगों से जुड़ सकते हैं, आप मासेस से या पब्लिक से अच्छे से जुड़ सकते हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि आप ऊंचे उठ सके और आगे बढ़ सके। चतुर्भाव का यदि मंगल हो तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं और आप को ये एक व्यवसाय के रूप में भी देख सकते हैं, तो आपको पैसा भी मिलता है। हाँ, आपको अपने क्रोध पर या चिड़चिड़ा पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। चतुर्भाव में यदि बुध बैठा है, बुध दोस्तों के बारे में बताता है, बुध आपके सगे संबंधियों यानी ननिहाल पक्ष के बारे में भी बताता है। आप ऐसे लोग जो आपके दोस्त हैं लेकिन दोस्त से ज्यादा है, उनको यदि चतुर्भाव में बुध बैठा हो तो वो उनको भी बताता है कि आपके फ्रेंड्स आपके लिए फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। और चतुर्भाव में बैठा हुआ ये बुध आपको एक ऐसी वाक शक्ति देता है कि सब उसके प्रति आप लोग उस आत्मीयता से बात करने की क्षमता भी ये आपको बुध देता है। फिर चतुर्भाव में यदि गुरु हो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप संतोषी होते हैं, आपका विद्या अध्ययन बहुत अच्छा होता है और आप जहां भी जाते हैं आप नाम यश डेफिनेटली कमाते हैं। फिर यदि चतुर्भाव में शुक्र हो, चतुर्भाव का शुक्र जो होता है वो दिग्बली होता है और शुक्र वाहन का कारक है, संपदा का कारक है, तो आप अच्छे से अच्छे वाहन में चलने घूमने फिरने की का शौक रखते हैं, आपका घर बहुत स्टाइलिश फैशनेबल होता है जिस पर आप बहुत खर्चा करते हैं, आप नई चीजों पर की ओर आकर्षित होते हैं और अपने घर को सुंदर और लुभावना बनाकर रखने की क्षमता भी रखते हैं। और आप में कलाएं पढ़ने की क्षमता, क्योंकि शुक्र है वो आपको पढ़ने की क्षमता भी देता है, वो दैत्य गुरु है तो आपको इन कलाओं में भी पारंगत करता है। यदि चतुर्भाव में शनि हो तो शनि आपके स्पाउस यानी कि आपके जो पति या पत्नी का कार्य क्षेत्र तो बताता है कि वो व्यक्ति बहुत मेहनती है, काम करने में हमेशा अग्रसर रहता है, ये भी बताता है
ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ब्लू कॉलर्ड लोगों के साथ ज्यादा काम करे, साथ ही वो आप स्वयं को लोगों से हट कर रहने की या एकांत बस प्रेमी बनाता है, वो आपको लर्नड बनाता है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि यदि शनि वहां बैठा हो तो आप बचपन आपका थोड़ा दुखी या माँ के अभाव में गुजरता है, तो शनि आपको वहां बैठकर इन सब बातों के बारे में भी अवगत करा सकता है। राहु यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ये बताता है कि आपको इस जन्म में अपने माता पिता के लिए करना चाहिए, घर के लिए, देश के लिए करने की बहुत जरूरत है और आपका कहीं ना कहीं उनसे प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। राहु विजातीय लोगों को भी बताता है, तो आपके घर में ऐसे लोगों का आना जाना भी बहुत हो सकता है। राहु डिजीजेस यानी बीमारियों के बारे में भी बताता है, तो ऐसा राहु आपको छाती की जो प्रॉब्लम्स है वो भी दे सकता है। और अंत में जब यदि हम केतु देखें तो केतु आप चतुर्थ भाव में बैठकर आपको एंड ऑफ मैटर्स यानी कि किसी भी चीज की समाप्ति करण बताता है। हम केस लेते हैं दीपा मलिक का, ये पैराग्लेसिक एथलीट है और इनके चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों होने के कारण लोगों ने इनकी शक्ति की, इनके पराक्रम की सराहना भी करी और मंगल इनका सॉरी चंद्रमा इनका जो है वो दिग्बली भी है और द्वितीयेश भी है, तो वो मॉरली बहुत स्ट्रांग थी, उनका फाइबर बहुत स्ट्रांग था और सूर्य उनका तृतीयेश होने के कारण उनकी जो उनका जो देश के प्रति एक भक्ति थी वो भी बहुत स्ट्रांग थे। इसके कारण देश विदेश में इन्होंने अपने पैराग्लेक्सिक ओलंपियाड में बहुत अच्छा नाम कमाया और अपने देश का नाम भी ऊंचा किया। महात्मा गांधी के चतुर्थ भाव में केतु है, ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जहां हम देख सकते हैं कि परतंत्र यानी कि विदेशियों का जो हमारे देश पर राज्य था उसको खत्म करने के लिए महात्मा गांधी की जो भूमिका है वो हम कभी भूल ही नहीं सकते, और परतंत्र या दूसरों का राज्य खत्म करके देश को स्वाधीन बनाना, ये केतु उस तरह से उनके चार्ट में काम करता है। कमल हसन उनके चतुर्थ भाव में मंगल है और ये मंगल जो है ये उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो काम करने की जो क्षमता है वो तो उनमें कूट कूट के भरी है और कलात्मकता भी, क्योंकि इतना वर्सेटाइल एक्टर आपको बहुत कम लोग इतने वर्सेटाइल दिखाई देंगे जो जिन्होंने सदमा कर या और बहुत सारी ऐसी मूवीज करी जो कि अपने समय में एक एक मिसाल थी। साथ ही चतुर्थ भाव में बैठा हुआ ये मंगल बताता है कि उनके पास धन संपदा और स्पेशली जो जमीन जायदाद है ये बहुत बहुत स्ट्रांग है, और यदि आप इसकी पुष्टिकरण करना चाहें तो आप विकिपीडिया या इंटरनेट पर कर सकते हैं। ए आर रहमान के चतुर्थ भाव में शनि है, बचपन में इनके पिता का देहांत हो गया था और अपनी माता को सपोर्ट करने के लिए क्योंकि ये सबसे बड़े थे इन्होंने अपने भाई बंधुओं अपने भाई बहनों के लिए बहुत मेहनत करी। दुखी जीवन तो था ही और वो भी पूर्व भाद्रा नक्षत्र में, तो इन्होंने मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, अथक परिश्रम करते रहे और फिर उसका फल उन्हें बहुत आगे चल के दिखाई भी दिया। जस्ट ताकि आपको समझ आए कि नक्षत्र में पद का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने शायद पहले भी बोला है, लेकिन पूर्व भद्र नक्षत्र के चतुर चरण में ये शनि नवांश में कर्क राशि में जाता है जो कि आपके परिवार की सिक्योरिटी का है, तो परिवार के लिए कष्ट झेलना, परिवार के लिए अपने सुख को दांव पर लगाना, ये ए आर रहमान के चार्ट से भली भांति नजर आता है। एल के अडवाणी जी के चार्ट में गुरु बैठा है चतुर्थ भाव में, वो भी बकरी होकर। एल के अडवाणी जी ने हमेशा धार्मिक बातें करी हैं, ये वापस पाइसिस में यानी कि मीन राशि में चतुर्थ भाव पर आया है, तो धार्मिक बातें करी हैं और लोगों को जागरूक किया है अपने सनातन धर्म के लिए, और पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे बने हैं, तो चतुर्थ भाव का ये गुरु इन्हें एक पॉलिटिशियन बनाने के साथ साथ एक एकेडमिशियन यानी कि जो लोगों को समझाए पढ़ाए और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे,
ये भी बताया है। इस गुरु को शुक्र भी देख रहा है, तो इन्हें ज्ञान लोगों में बांटने की जो इच्छा है वो और भी तेज तीव्र करता है। और चतुर्थ भाव आपको लोगों से जोड़ता है, आपको आपको लोगों को आपको लोगों से मिलाता है या आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म देता है। ये इनका लग्नेश है और इनको एक चतुर्थ एक प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त हुआ। लता मंगेशकर जी के चार्ट में चतुर्थ भाव में शुक्र है। शुक्र कलाओं के बारे में बताता है। शुक्र आपको आपको जो फाइन आर्ट्स है उसमें आपको परांगत कराता है। और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली भी होता है। लता मंगेशकर जी के समान जो एक सिंगर हमने इन कई दशकों में बहुत कम पाए हैं। और इनका जो शुक्र है वो मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है। मघा नक्षत्र आपको एक स्टेटस देता है, लोग आपकी नाम से आपको पहचानते हैं। और लता मंगेशकर जी की क्वालिटी, उनकी सिंगिंग आवाज से लोग उनका उनको पहचानते हैं। तो इसके लिए ये शुक्र दिग्बली होकर मघा नक्षत्र में बैठने के कारण उनके लिए नेम फेम और प्लेस दिखाता है। फिर वापस पद का महत्व आपको बताने के लिए, ये शुक्र तृतीय पद में बैठा हुआ है मघा नक्षत्र का, जो कि जेमिनी में या मिथुन राशि में आता है और वो कम्युनिकेशन की, फाइन आर्ट्स की और सिंगिंग की राशि है। तो उनको उससे भी अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। विश्वनाथन आनंद के लिए, विश्वनाथन आनंद के चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, वो भी वक्री होकर और अश्विन नक्षत्र में। इन्हें क्विक और स्लो दोनों गेम्स खेलने की बहुत शौक है और मेहनत इन्होंने अपने चेस के लिए एक बहुत ही छोटी आयु से भी किया है, जिसके कारण इनको उस मेहनत का फल भी प्राप्त हुआ कि देश विदेश घूमे और मास्टर्स, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें नवाजा गया। जब मैं आप लोगों को बोल रही थी कि यदि चतुर्थ भाव में राहु हो तो आपको चेस्ट डिजीज दिया भी हो सकता है। नूतन का जो देहांत हुआ था वो एक छोटी सी उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। उनको हार्ट अटैक के कारण उनकी उनका जो उनकी जो डेथ हुई थी। साथ ही अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, बहन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, ये भी हमें मालूम है, हम जानते हैं। चतुर्थ भाव में राहु होने के कारण सलमान खान का भी वो एग्जाम्पल है जो बताता है कि वो अपने पेरेंट्स से, खासकर अपनी माँ से बहुत जुड़े हुए हैं और लोग की, जन की सेवा करना एक तरह से उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया है। लोग उनकी पिक्चर के पीछे पागल हैं, ये भी राहु का चतुर्थ भाव में होना उनके लिए बड़ी देन है, यदि मैं कह सकूं तो। तो आप भी लिखकर बताइए कि आपके चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और वो किस तरह की परिक्रिया आपके लाइफ में कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।